और दोस्तों भाग्य लक्ष्मी का आने वाला एपिसोड आप लोगों के लिए घना ही दिलचस्प देखने को मिलता हुआ नजर आने वाला है दोस्तों, जब आप लोग देख पाएंगे कि किस तरीका से आखिरकार विक्रांत ने बोल दिया है ऋषि से कि ऋषि जीत तुम्हारी नहीं हुई, तुम्हारा इतना हुआ कि तुम मुझे पुलिस के हवाले करते रहे हो, लेकिन तुम्हारे घर की पल पल अपडेट और जितना भी मेरा प्लान था उसमें तुम्हारे घर का एक ऐसा शख्स शामिल है कि जिसने मेरा भरपूर साथ दिया है और जिस पर तुम कभी सोच भी नहीं सकते कि उसने मेरा साथ दिया है। जी हाँ, जिसके बाद में ऋषि बोलेगा कि कौन है, उसका नाम ज़रूर बताइए, क्योंकि दोस्तों उसका नाम जो कि बता दिया गया है और उसका नाम कोई और नहीं बल्कि इस समय मलिष्का है। दोस्तों आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि आने वाली कहानी आप लोगों के लिए एक नहीं बल्कि इस समय कई ट्विस्ट लगातार आते हुए नजर आने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर मलिष्का बोलती हुई नजर आने वाली है कि ऋषि विक्रांत झूठ बोल रहा है, ये मेरे से भी जलता है इसलिए झूठ बोल रहा है, क्योंकि मैं क्यों मदद करूँगी इसकी। हालाँकि दोस्तों इस समय लक्ष्मी को भी शक हो चुका है मलिष्का के ऊपर, इधर आयुष और काफ़ी लोगों को शक हो चुका है, क्योंकि वाकई में पहले से ही यही चाहती थी मलिष्का कि जल्द से जल्द चाहे कैसे लड़के के साथ में शादी हो जाए लेकिन लक्ष्मी यहाँ से चली जाए, और लक्ष्मी को इस चीज़ से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि वो कुछ भी करे। आप लोगों को बता देना चाहता हूँ दोस्तों, आने वाली कहानी आप लोगों के लिए एक नहीं बल्कि इस समय कई और भी ट्विस्ट लगातार लाती हुई नजर आने वाली है। कहानी ख़त्म नहीं हुई दोस्तों, बल्कि असली मज़ा तो अब विक्रांत के साथ आने वाला है, क्योंकि विक्रांत ने यहाँ पर धमकी दी है। विक्रांत ने बोला है कि अब जो होगा वो देखा जाएगा, और वैसे नहीं बल्कि साफ साफ वार्निंग इस तरीका से दी है क्योंकि ताकि सभी लोग इस समय बेहद ज़्यादा डरे हुए रह सकें दोस्तों, क्योंकि विक्रांत कभी भी कुछ भी कर सकता है, वो उसकी एक बहुत बड़ी चाल है, और विक्रांत अपनी चाल वैसे वैसे नहीं चलता बल्कि वो एक ऐसा शातिर खिलाड़ी है कि वो अपनी चाल बेहद ज़्यादा अलग चलता है। साथी दोस्तों मेरा नाम है रोहित नागर, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट करके आप लोग मेरे को ज़रूर बताइए गाइस, थैंक यू।